हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? आप सभी सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोकोर ट्रेडिंग। और इस वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर पैराबोलिक को ले रखा है कंफर्मेशन के लिए। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को देखना, कुछ ऐसा आपको जानने को जरूर मिलेगा जो आपकी एक्यूरेसी को बिल्डअप कर पाएगा। मेनली इस वीडियो में मैंने जो फोकस किया है वो है कि आप लोग जब भी मार्केट को एनालिसिस करते हो, कभी कभी हो जाता है कि 2-3 सेकंड से लॉस हो जाता है, 5-6 सेकंड से, इवन 1 सेकंड से भी लॉस हो जाता है। कभी मार्केट फ्लक्चुएट करता है, या क्यों ऐसा होता है, इस चीज को मैं आपको इस वीडियो में कोशिश की हूँ बताने का। तो वीडियो को पूरा देखना, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को जब हम लोग फॉलो करेंगे, बहुत ही छोटी चीजें भी हो, चाहे कुछ बड़ी ही क्यों ना हो, सबको जब मिला के हम लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जब आप ट्रेड करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, आपको हर चीज की नॉलेज रहेगी तब। तो जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ उतना मैंने कोशिश किया है। सो वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम लोग यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग करने वाले हैं। सो इस कैंडल के खत्म होने का वेट करेंगे। सो इस कैंडल के एक्सपायर होने के बाद हमारा $200 का मल्टीपल ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है। तब तक यार, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बताओ, क्या ये अच्छी बात है? थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, और आपको 1 सेकेंड लगेगा, लेकिन इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा और आपको काफी लर्निंग कंटेंट मिलेगी। ना सिर्फ लर्निंग कंटेंट तक ही हम लिमिटेड है, बल्कि फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स डेली बेसिस पे आपको टेलीग्राम पे मिलता है। क्या एक्यूरेसी है आपको जाके ग्रुप में चेक कर सकते हो। तो यहाँ लेट हो गए, यहीं पर करना था ये, जैसे खत्म हुआ ना वैसे ही ट्रेड प्लेस करना था, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन आपको बताने में था, सो थोड़ा सा गैप हो गया। इट्स ओके, देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। वैसे मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी ये कैंडल स्टार्ट ही हुआ था कि यहाँ तक पहुंच गया, और अभी देखो वापस ऊपर जा रहा है। तो देखो मेनली 1-2 सेकेंड से लॉस होने का जो वजह है बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको जानना होगा, काफी वजह हो सकती है। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कि जब भी आपको लगता है कि मार्केट स्टेबल नहीं है, मार्केट डांस कर रहा है, जैसे कि अभी देखो ये कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए, चाहे वो 1 घंटा हो या 2 घंटे हो, आपको अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है या फिर करेंसी चेंज कर लेना है। देखो कई ट्रेडर्स को आपने देखा होगा, बार बार वो करेंसी चेक करते हैं, अब स्विच करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा मार्केट चाहिए जिसकी वॉल्यूम स्ट्रांग हो। जैसे कि देखो कैंडल में कितनी सुंदर वॉल्यूम है, इसके प्रीवियस कैंडल में कितनी सुंदर वॉल्यूम है, ऐसे हमको कैंडल चाहिए। अब अगर हमारा कैंडल ही बनने लग जाएगा, लाइक जैसे देखो अभी पूरा मार्केट ही बहुत ही खूबसूरत है, सब में आप वॉल्यूम देख रहे हो कितना सुंदर है, बट अगर आपको ऐसा मार्केट मिल जाएगा जहां कैंडल की कोई वॉल्यूम ही पता नहीं चल रही है, तो आप फिर क्या ट्रेड प्लेस करोगे, क्या ही आप करोगे यहाँ? तो उस टाइम पे आप स्विच करो, या फिर आप अपनी ट्रेडिंग को थोड़े देर के लिए रोक भी सकते हो, क्योंकि आपको एक ऐसा मार्केट की तलाश होनी चाहिए जहां कैंडल की वॉल्यूम बहुत अच्छी हो, ट्रेंड हमको क्लियर पता हो, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो या रेंज में चल रहा हो। लेकिन रेंज, देखो मार्केट क्या होता है कि एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट, आइदर इन अप और आइदर इन डाउन, एक होता है हमारा रेंजिंग मार्केट जो रेंज में चलता है, वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत। रेंजिंग मार्केट में आपको मुझे एक्चुअली रेंजिंग मार्केट बहुत पसंद है, लाइक दिस अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा दिखती है। और एक होता है आपका स्टक मार्केट, तो आप रेंजिंग में ट्रेड करो, आप ट्रेंडिंग में ट्रेड करो, बट स्टक मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। एक वो भी वजह हो जाता है कि आपका आपको लास्ट के सेकेंड में लॉस हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर जब मार्केट बहुत ज्यादा स्टक है, कुछ ज्यादा ही स्टक है, कुछ ज्यादा ही कह सकते हो साइडवेज चल रहा है, ये रेंजिंग मार्केट नहीं हुआ, ये स्टक हो गया यार, एक ही जगह पर स्टक है, तो उस टाइम आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको वेट करना है। आप वेट करो, करेंसी स्विच करो या थोड़ी देर बाद करो, बट वहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसा स्टक करता है ना, उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिलने वाला होता है या फिर ब्रेकडाउन। अब ये कैसे पता करें कि ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा आफ्टर द स्टक मार्केट, जब स्टक होता है स्टक मार्केट के बाद, तो ये इस तरीके से पता चलता है कि हम बॉलिंगर बैंड को अप्लाई कर लेते हैं, ऐसे इंडिकेटर के आइकन पे जाके बॉलिंगर बैंड को लेके 20 या 20
पीरियड को टू करके यानी कि 20 SMA और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या यहाँ पे जो डिफरेंस है। अब इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर कैंडल हमारी बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड में स्टक कर रही है, ठीक है, तो हमको मोस्ट प्रोबेबली जो दिखने को मिलेगा वो है ब्रेकआउट। ओके, समझ रहे हो, बहुत अच्छा है, बिगिनर्स के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यस इट्स गुड कि आपको पता है क्या दिक्कत है। अब सिमिलरली अगर लोअर बैंड में मार्केट कुछ स्टक कर रहा है तो आपको ब्रेक डाउन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो लोअर बैंड में स्टक कर रहा है तो आपको फिर ब्रेक डाउन मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में ज्यादा चांसेस है मिलने की, ठीक है। अब क्या है कि आपका कुछ सेकंड से लॉस हो जाता है। पहला क्या है कि मार्केट फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएशन है मार्केट में, मार्केट बहुत ज्यादा हड़बड़ा के चल रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, लास्ट के सेकंड में गजब हो जा रहा, तो आपको उस टाइम नेट करना है ट्रेड प्लेस। दूसरा है कि जब मार्केट स्टक करता है, स्टक मार्केट में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। तीसरा मेजर आ जाता है कि लाइक फ्राइडे या सैटरडे या संडे, ये 3 दिन तो मार्केट एक्चुअली खुद ही रहता है फ्लक्चुएट। तो इस टाइम पे आप क्या करो, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप कम अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करो, लाइक $10, $5 ऐसे आप ट्रेडिंग करो, इवन $1 व्हाई नॉट। और $1 से भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, ये हमने कंपाउंडिंग के वीडियो में प्रूव किया है, तो आप कंपाउंडिंग वाला भी वीडियो जरूर देख लेना। और एक और जो कारण होता है लॉस करने का वो होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि टू मच इंडिकेटर ले लेते हैं, लाइक मैंने ये भी ले लिया, चलो अब मैं जिगजैग, चलो ठीक है जिगजैग तो प्राइस एक्शन, ओके इट्स ओके, अब लाइक RSI भी ले लिया और क्या ले ले, और हाँ ये ले लेते हैं हम। तो अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ कि जब हम लोग टू मच इंडिकेटर ले लेते हैं ना, लाइक आपको फिर वो कंफ्यूजन करेगा, बिकॉज आपको आपका माइंड यार प्राइस एक्शन पे सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले प्राइस एक्शन, उसके बाद आप सेकेंडरी इंडिकेटर के कंफर्मेशन को ऐड करके अपनी प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ो। और इंडिकेटर भी मोर देन आप ज्यादा से ज्यादा 3 यूज करो, बहुत ज्यादा अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आप 4 कर सकते हो, 4 भी बहुत ही हार्डली, उससे ज्यादा आपको इंडिकेटर यूज करना ही नहीं है, अदरवाइज आप फिर हॉच पॉच हो जाएगा, आप चार्ट को अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे और कुछ फायदा भी नहीं है। आपको डाइवर्जन भी इंडिकेटर में दिख जाता है, ये कुछ तो वो कुछ, और इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन क्या पता आप क्या तरीके से आप फिट कर लोगे, क्योंकि अगर सिर्फ लाइक RSI और MACD के बीच में डाइवर्जन हो तो समझ में भी आता है, यहाँ पर हमने बॉलिंगर भी रखा है, यहाँ हमने पैराबोलिक भी रखा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये कंफ्यूजन देगा एंड ये भी एक कारण हो जाता है लॉस का, हौच-पौच हो जाता है, आपको पता है कि मार्केट अप जाएगा बट वो चीज मिस हो जाता है। तो प्लीज टू यार सबसे बढ़िया है ना कि 2 इंडिकेटर रखो, 1 इंडिकेटर रखो, ज्यादा से ज्यादा 3 रखो, हद से ज्यादा 4, वो भी बहुत रेयरली, उससे ज्यादा का तो कोई नीड ही नहीं है। 2 रखो 1 रखो ठीक है, बढ़िया है, बाकी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो प्राइस एक्शन पे होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं यानी कि थर्ड पॉइंट, टू मच इंडिकेटर इज नॉट गुड। अब हम फोर्थ पॉइंट पे पहुंचते हैं कि क्यों हमको लॉस हो जाता है, ठीक है। एक होता है हमारा टाइम का भी फंडा काम करता है कि हमको किस टाइम पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस टाइम पे मार्केट हमको बहुत ज्यादा ही अच्छा वॉल्यूम में मिलेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो के लास्ट में आपको बेस्ट विच मैंने एक वीडियो बनाया है कि बेस्ट टाइम फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि डिफरेंट, क्योंकि ये जो मार्केट है हमारा कॉटेक्स, ऐसा नहीं है कि ये हमारे घर का मार्केट है या कहीं आसपास का मार्केट या है नहीं, या इंडिया का मार्केट है नहीं, ग्लोबल मार्केट है। और ग्लोबल मार्केट में भी आपको अगर थोड़ा नॉलेज रहेगा टाइम का, जैसे इसमें काफी सारा टाइम सेशन होता है जो कि मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर किया है, तो आप ना बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे। आप उस ऐसे आप सब ऐसा नहीं है कि आप कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लाइक कोई परफेक्ट एक टाइम ही है, आप रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है, जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है या फिर जब हमको लगता है कि मार्केट में तो नहीं है वॉल्यूम, कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो हम कम अमाउंट के साथ करते हैं, बट कब आपको पता चलेगा कि मार्केट फ्रेश है, बहुत अच्छा चल रहा है, वॉल्यूम फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, ये सब तो पता चलता ही है। बाकी एक टाइम भी क्या है वो वीडियो आप जरूर देख लेना, और लाइक कितनी बजे मैं आपको बता ही देती हूँ, अगर आप सुबह 11 बजे से अगर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, 11 से 2 तक,
काफी अच्छा मार्केट इसमें चलता है। फिर आप रात में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। कब इस लाइक रात 10 बजे समथिंग, ऐसा 10 बजे 10 से 2 कुछ ऐसा, तो आप अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। लेकिन इसमें भी आपको ये बात ध्यान देना है कि अगर आपका 2 बार लॉस हो गया लगातार या 3 बार हो गया है लॉस, तो आप फिर रोक दो यार, फिर रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगा। फिर ना पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली आप इमोशनली इमोशनली ट्रेडिंग करने लग जाओगे। तो उस टाइम भी आपको रोक देना है। चाहे आप सुबह 11 बजे ही ट्रेडिंग क्यों ना कर रहे हो, बहुत अच्छा मार्केट भी क्यों ना हो, आप मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स क्यों ना फॉलो कर रहे हो, या फिर आप फलाना ढिमकाना किसी के भी ट्रेडिंग सिग्नल्स के साथ क्यों ना ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका 2 से 3 बार लगातार लॉस हो जा रहा है, तो आप रोक दो ना। क्या फर्क पड़ जाएगा 1 दिन के लॉस से, 2 दिन के लॉस से, इवन 3 दिन के लॉस से भी फर्क नहीं पड़ता। आप मंथली या वीकली प्रॉफिटेबल प्रॉफिट में हो कि नहीं, दैट्स मैटर। तो बेकार काम को ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर हम इस पे वर्क करेंगे तो जरूर हमको प्रॉफिट होगा। जिसमें सबसे प्रायोरिटी में आपको प्राइस एक्शन को रखना है, जिसका मैंने काफी वीडियो आपको कंपाउंडिंग करके भी दिखाया है। $1 से $1,000, $1 से $10, $1 से $100। तो ये सारा प्लीज आप वीडियो को देखो, और ऐसा नहीं कि सब जगह प्रॉफिट होता है, हमें भी लॉस होता है। मैं बहुत बार कंपाउंडिंग वीडियो की हूँ, $1 से लेके $1,000, जो मेरे को 2-3 बार में शूट करना पड़ता है, लॉस हो जाता है। अभी के लिए इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। बाकी सारी चीजें आपको शॉर्ट्स में मिलेगी, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1-1 मिनट के शॉर्ट्स में आपको काफी चीजें क्लियर होती रहेंगी। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ